प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता को संभाला है तब से भारत देश विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व विश्व के ताकतवर नेताओं में से एक है। इसी बीच पीएम मोदी के नाम पर रखा गया क्रिकेट स्टेडियम का नाम इस समय खूब चर्चा में बना हुआ है। वजह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना। जी हाँ, इस बात की जानकारी बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खुद दी है। जय शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम आईपीएल 2022 के दौरान सबसे ज्यादा दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। जय शाह ने इस बात की जानकारी बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। मुझे गर्व और खुशी है कि जीसीएस मोटेरा के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम को किसी एक टी20 मैच में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस स्टेडियम में 29 मई 2022 को आईपीएल फाइनल के दौरान 101,566 दर्शक उपस्थित थे। इसे संभव बनाने के लिए हमारे प्रशंसकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस स्टेडियम को पहले गुजरात क्रिकेट संघ स्टेडियम मोटेरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इस स्टेडियम में 110,000 दर्शकों की क्षमता है, जो कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से लगभग 10,000 ज्यादा है। इस स्टेडियम का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम ऐसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुआ। दर्शकों के बैठने के लिए इस स्टेडियम में सबसे ज्यादा क्षमता तो है ही, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी खासियत है। यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है, जिसमें 3 एंट्री गेट्स हैं। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में 3 प्रैक्टिस ग्राउंड्स, क्लब हाउस, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और एक इंडोर क्रिकेट एकेडमी भी बनाई गई है। यह दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसमें प्रैक्टिस और सेंटर पिच के लिए एक ही मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। यह दुनिया में इकलौता स्टेडियम है जिसमें मुख्य मैदान पर 11 सेंटर पिचे हैं। इसके अलावा जिम समेत 4 विश्व स्तरीय ड्रेसिंग रूम है। यहाँ मैदान में घास के नीचे रेत का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से भारी बारिश के बावजूद मैच कुछ ही घंटों में दोबारा शुरू हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ साथ इस मैदान की कई खासियत भी हैं। वैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।